हेलो माय लवली व्यूअर्स, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:10 बज चुके हैं एंड आई एम गोइंग टू गेट रेडी। हे गाइस, आई एम बैक। आई हैव टेकन बाथ और मैंने अपने सारे बेड को भी क्लीन कर लिया है। सो अभी मैं रूम से स्टेप आउट करूंगी। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है खुद से ही, रूम से स्टेप आउट करके देखती हूँ, एक बार घूम लेती हूँ अपने घर को फर्स्ट फ्लोर में। सो ये मेरी बहन का रूम है। बेड उसने सजा के रखा है नाइसी के लिए, इसके लिए मैं गिफ्ट बॉट करके लाई हूँ वहां से। सो इजन इट नाइस। मैंने ये टॉयज वगैरह उसके लिए लाए थे छोटी के लिए। ये कुछ सीटें हैं जो मेरी बहन ने बनाया है खुद ही कर। फैन का स्विच ऑफ कर दी पहले। हम लोग का हॉल वाला एरिया है, यहाँ पे एक्चुअली कोई रहता नहीं है और कुछ जिम के फिटनेस है। यहाँ पे वॉकर्स है, यहाँ पे बुक्स वगैरह मेरे रखे हुए सारे कोई रहता है। और हम लोग ये जा रहे हैं अपने बैल्कनी टेरेस की तरफ। बारिश हुई थी रात को, नीचे जाने का रास्ता है और मैं अभी जाऊंगी अपने फैमिली मेंबर्स से मिलूंगी। यहाँ पे बारिश के मौसम की वजह से अंदर ही कपड़े सुखाया गया है और यहाँ पे मेरी दीदी बैठी है। ऑलरेडी मिल चुकी हूँ, फिर भी वीडियो के लिए फिर से अभी शूट कर रही हूँ। एंड हम लोग का डाइनिंग टेबल है, कभी यूज नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे कुछ यूटेंसिल वगैरह रखते हैं। दिस इज द वे टू अवर ग्रैंड किचन, ट्रेडिशनल ग्रैंड किचन। बहुत बड़ा किचन है हम लोग का, ये बैम्बू हाउस से बना हुआ है। यही पे हम लोग का कुकिंग होता है, यहाँ पे हम लोग का टाइम भी होता है। सो गोइंग बैक टू माई रूम बिकॉज मेरे सिस्टर ने बोला है कि ऊपर जाना है, ऊपर नीचे आना नहीं है। मेरे मॉम एंड डैड रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टफ रखे हुए हैं, यूज करते रहते हैं, इसीलिए यहीं पे रखा हुआ है। और थोड़ा मैनेजमेंट हम लोग ठीक भी कर देते, फिर भी ऐसा कर देते वापस। सो छोटी से मेरे साथ है, अभी बड़ी हो गई बहुत। सो गाइस, आई एम गोइंग बैक टू अपस्टेयर। फाइनली माय डैड इज मेरे पापा बाहर काम करके आए हैं, उन्हें उन्होंने है। मेरे पापा बाहर काम करके आए, मम्मी पता नहीं कहाँ गई, मैं पूरे घर देखते हुए मेरा मॉम कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही अभी।
गाइस देख सकते हैं मेरी मम्मी फिश शार्प कर रही है और बोली ये सब मत दिखाओ बोल के सो गाइस मैं ऊपर जा रही हूँ मैं वेट करूंगी ऊपर नागान की आने के लिए सो आई एम गोइंग बैक टू माय रूम अगेन मैं वहाँ पे वेट करूँगी क्योंकि नागान मुझे देख के शॉक ना हो जाए क्योंकि इतने महीनों के बाद मतलब एक साल के बाद मिलने जा रही हूँ तो मुझे अपने रूम की तरफ जाने के लिए बोला गया है सो जब वो जग जाएगी वो आएगी तब मिलूंगी लॉकडाउन को नहीं ले सरप्राइज लगे सब मन करे दी दे यार वहाँ दे वहाँ दे मैं हूँ अहिम मही और ये कौन है यस नांगन अभी अपना नाम बोला पहचाना अपने आप को है पहचाना भूल गई थी I tell you what's been on my mind Sick and tired of the 9 to 5 in the city light Hey darling We could get out of town See the beautiful world around Wanna see it now Pack our bags and get in that car Real far Let's get out We can leave this city Let's drive to the open air Yeah, the countryside is so pretty With the wind blowing Hey my lovely viewers, thanks for watching my video today And this is the end of my day I have enjoyed a lot with my family members Sorry, I couldn't record everything for you in between because I was enjoying the full moment with them and recording went off my mind but I promise that in next video I will be recording everything for you and will be keep you updated with new and interesting video so please subscribe share and like my video and love my video and take care of yourself good night Jai Hind Jai Bharat